धंधा खाली खाली सा क्यों लग रहा है? क्या बात कर रहे किल्ला, खाली खाली सा लग रहा है? अरे क्या बात क्या कर रहे हैं, पैसे कम है इसमें। किसने किसने उठा लिए सेठ जी? ये सवाल तू मुझसे पूछ रहा है या मैं तुझसे पूछूं? बात कर रहा है बेकार की। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, पैसे कम है इसमें। आप किसे किसने निकाले सेठ जी? सर ये सवाल तू मुझसे पूछ रहा है या मैं तुझसे पूछूं? बात कर रहा है बेकार की। तू यहाँ मैं, तुझे ना मालूम किसने निकाली, ये बता गल्ला कितना डूबा मेरा। सेठ जी हम आपके सामने किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार है, हमने आपका गल्ला बिल्कुल भी नहीं छुआ। अरे तूने ना छुआ तो किसने छुआ? तू तो बैठा है यहाँ, तेरे सामने कोई आया या ना आया कुछ ना मालूम तुझे, तुझे कुछ खबर ही ना रहती है यार यहाँ बैठ के। गल्ला कितना छुआ कितना ना छुआ? इलायची जी मैं अभी भी बचपना बाकी है। इसका मतलब इलायची ने गल्ला साफ किया है? जी सेठ जी अब हम आपको किस मुंह से बताते कि इलायची जी ने गल्ला साफ किया? अगर हम आपको बोलेंगे कि इलायची जी ने गल्ला साफ किया तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी सेठ जी, इसलिए हम अब छोड़िए सेठ जी, हो जाता है कभी कभी बचपने में, छोड़िए। कोई बात रोइए सेठ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगाए मेरे पीछे। अब रो रहे हो ना, कह रहे हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खांस रहे आता था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हेलमेट उतना काम कर, तुझे मैं कल ना बिल्कुल। अब हंसने पे तो कुछ बोल। नहीं नहीं सेठ जी हम तो कुछ ना कर पाए। हेलो एवरीवन, तो जैसे कि आप देख सकते थे कि आज हम सीन में क्या कर रहे थे, बेसिकली मैंने एलआईजी जी को देख लिया है कि वो दरवाजे के पास खड़ी हैं और वो किसी तरह से मेरा ईमानदारी का टेस्ट ले रही हैं या कुछ भी कर रही हैं। तो उस बीच में मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे पता चल गया है कि एलआईजी जी क्या करना चाह रही है, तो मैं उनके सामने जान के ऊँचा ऊँचा बोल के गले से पैसे निकाल रहा हूँ ताकि उन्हें ये लगे कि मैं चोर हूँ, और उसके साथ साथ मैं उन्हें फंसा रहा हूँ सेठ जी की आँखों।